से चाबी से ही हम मॉक करेंगे इसे स्टार्ट। स्टार्ट हो गया एकदम बेहतरीन, एकदम पावरफुल। देखिए इंजन में आवाज भी नहीं है, चारों तरफ से दिखाओ इंजन को एकदम बेहतरीन। मैं इसकी आवाज भी सुनाता हूँ, देखिए देख पा रहेंगे डीजल इंजन, आइसर इंजन, जो कि एकदम बहुत ही पावरफुल इंजन है और बहुत ही बेहतरीन इंजन है। जनरेटर का 2023 मॉडल इंजन है। मैं इसको चालू करके दिखाऊंगा, इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा और इसके अंदर क्या क्या खासियत है, कितना तेल खाता है, कितने रुपए का आता है, वो भी बताऊंगा। 2023 मॉडल इंजन देखिए किस तरह का है, आइसर का इंजन। एकदम चारों तरफ से दिखाओ इसके अंदर क्या क्या खासियत है, कैसी बनावट है और कैसा आता है कंपनी की तरफ से, ओरिजिनल इंजन की पहचान क्या है। अगर आप इस तरह का इंजन ले रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके ऐसा इंजन मिलता है। कहीं आपके साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है, गलत सामान तो नहीं आ रहा है। एक देखिए, ये जो इसका ये लीवर है उधर दबा के रखना है। पहले इधर गिरा हुआ था क्योंकि बैटरी ऑलरेडी स्टार्ट कर देती है, हम इसे हल्का घुमाने के लिए उधर गिरा के रखेंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से हैंडल मारना है। ये देखिए इतना हैवी इंजन हैंडल से स्टार्ट हो गया, यानी है कि नहीं कितना स्मूथ, और बहुत ही हल्के हाथ से स्टार्ट हुआ है। जिस तरह से लिस्टर इंजन स्टार्ट होते हैं उसी तरह से ये भी स्टार्ट हुआ है। हमें इसकी स्पीड बढ़ानी हो तो यहाँ से देखिए इस तरह से कर दीजिए, देखिए बढ़ते जा रहा है, ये स्पीड बढ़ रही है, देखिए बढ़ रही है स्पीड, यानी ये बहुत अच्छी चीज। देख पा रहे होंगे 22 HP का सुपर पावर इंजन, कंपनी ने इसके अंदर बहुत ही अच्छी चीज दी है और बहुत ही पावरफुल बना है। इसको डिजाइन इस तरह से करा है कि आप जनरेटर पर इसे रख सकते हैं। जनरेटर पर रख के इसके इसकी जो कैपेसिटी है 22 HP है, यानी 22 HP का सुपर पावरफुल सिंगल सिलेंडर इंजन है ये। यहाँ पे आप कपलिंग लगा के अल्टरनेटर लगा के इस पे 15 KV का अल्टरनेटर रख के इसका 15 KV का जनरेटर बना सकते हैं, यानी 15 KV आपका लगभग में 20 HP की बिजली दे। ये तारों का जाल दिखाओ पीछे की तरफ, ये देखिए ये तारों का जाल देख पा रहे होंगे। अब इधर दिखाओ सामने, इसके अंदर जो दिया हुआ है ये कंपनी ने ये टेम्परेचर मीटर दिया है, यानी इससे इंजन कितना गर्म हो गया है। इसका व्हील देख रहे हैं, कम से कम 100-125 किलो का व्हील है इसका, 150 किलो मान के चलो व्हील के अंदर वजन है। अब हम इसको बंद कर देते हैं, देखिए ये यहाँ से हम खींचेंगे तो बंद हो जाएगा, इसे खींचते ही बंद हो जाएगा। देखिए हाथ में मोबिल ऑयल लगाए छूट गया, 6 लीटर मोबिल ऑयल डलता है इसके अंदर। और इसकी जो फर्स्ट सर्विस है, फर्स्ट सर्विस आप तुरंत कर दीजिए 30-40 घंटे में मोबिल ऑयल। और मोबिल ऑयल जो डालना है यहाँ ऊपर से डालने का सिस्टम है इसका, यहाँ ऊपर से डालेंगे तो सब जगह गरारियों में टैपिंग में सब जगह एकदम ऑयल चला जाता है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमेशा मोबिल ऑयल डालना हो तो यहीं से डालिएगा। और एक सिस्टम और है यहाँ से डालने का मोबिल ऑयल, इधर ही आ जाओ दिखाओ, ये रहा, या तो आप यहाँ से भी डाल सकते हैं मोबिल ऑयल। देखिए ये यहाँ से सांस लेता है, आप यहाँ से भी मोबिल ऑयल डाल सकते हैं। देखिए ये दिखाओ इसके अंदर जूम करके, यहाँ से भी मोबिल ऑयल डाल सकते हैं, पर यहाँ से मोबिल ऑयल डालते समय में क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे बॉडी में चला जाता है। राधे राधे दोस्तों, मैं संजीव कुमार मशीन वाला का भी आपसे मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। एक्साइटेड और एनर्जेटिक हो जाइए, आज बहुत ही अच्छी चीज और इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ। डीजल इंजन, बहुत ही पावरफुल 22 HP का आइसर ट्रैक्टर का इंजन, इसे जनरेटर वाला इंजन कहते हैं। इस इंजन के बारे में बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर इस इंजन के बारे में बताइए, इसकी जानकारी कहीं नहीं है। मैं आपको दूंगा इंजन के बारे में, आइसर कंपनी इतना आगे क्यों है, इतनी आगे क्यों है, उसके जनरेटर इतने आगे क्यों है, क्योंकि ये तेल बहुत कम खाता है और ज्यादा माइलेज देता है, इसलिए इतने आगे है। और इसके जो इंजीनियर्स ने इसको बनाया है ना, इसके डिजाइन को देख पा रहे होंगे चारों तरफ से, बहुत ही बेहतरीन और पावरफुल डिजाइन करा है इसके अंदर। तेल के मामले में बहुत तेल कम खाता है, स्टार्टिंग के मामले में बहुत अच्छी स्मूथ स्टार्टिंग है, और परफॉर्मेंस के बारे में तो समझो एकदम लाइफ टाइम अमर ही है। हम भी लगाते हैं अपने सेल्फ ड्राइव में, मैं बताऊंगा एकदम डिटेल से कि किस तरह से ये अमर है। और आप जब ये नया इंजन ले रहे हैं और इसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, ओरिजिनल की पहचान क्या है,
और ओरिजिनल की पहचान क्या है, इसके साथ जब हम लेते हैं तो क्या क्या पार्ट्स आते हैं, क्या क्या चीजें, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी। इसे चालू करके भी दिखाऊंगा किस तरह से चालू होता है, क्या क्या प्रोसेस है, दो जगह से चालू होगा, दोनों तरह से चालू करके दिखाऊंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण। और राधे राधे का नाम लेते हुए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण वासुदेव से मेरी प्रार्थना है कि जितने भी मेरे व्यूअर हैं उनके एकदम जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाए, और उनका बिजनेस एकदम आसमान छुए, और उनकी जो रोजमर्रा की परेशानी एकदम छू मंतर हो जाए, और इनके अंदर एकदम खुशियों की बहार रहे, सारे काम आसानी से हो जाए। मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है, आप लोग का खुशी मेरी खुशी, आप लोग का आगे बढ़ना मेरा आगे बढ़ना, यही मेरी प्रार्थना है। और सबसे बड़ी प्रार्थना उनके लिए है जो उत्तराखंड में 43 जो श्रमिक फंसे हुए हैं सुरंग में, नीचे बनाते समय सुरंग कर रहे थे तो उसके अंदर फंस गए हैं, उसके पीछे बहुत पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है उनको बचाने के लिए, और कई सारी विदेशी मशीनें बोरिंग मशीनें आ रही है। मैं प्रार्थना करता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ प्रार्थना कीजिए कि वो उत्तराखंड के सारे श्रमिक जो है एकदम स्वस्थ और सुरक्षित निकल जाए, यही मेरी परमेश्वर से विनती है और जिज्ञासा है। तो वीडियो के लास्ट बन रही है वो तो परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, बिना उनके एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम है आप है कुछ पता नहीं है, मूंड का क्या है कुछ पता नहीं है, कब कैसा हो जाए कुछ पता नहीं है, राजा कब रंक बन जाए और रंक कब राजा बन जाए वो परमेश्वर के हाथ में। प्रार्थना में बहुत बड़ी पावर है, प्रार्थना से हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। बस दिल में जुनून होना चाहिए और दिल में वो आग होना चाहिए कि हमें वो चीज करनी है। सच्चे दिल से प्रार्थना सबकी कोई हर चीजों को सुन लेते हैं भगवान, अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करो ना। और मैं भी प्रार्थना कर करके आप लोगों के पास पहुंचाऊ, हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि सर मेरे सब्सक्राइबर, भगवान जी मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए, मेरे नए नए व्यूवर्स बढ़ाइए, मेरे नए नए फ्रेंड्स बनवाइए और मुझे नई नई नॉलेज दीजिए। तो आप लोग के माध्यम से मुझे कमेंट बॉक्स मिल जाता है, आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं उससे मैं बहुत ही एक्साइटेड। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज तुरंत के तुरंत लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही डिटेल से जानकारी दूंगा। और ये जो हम वार्तालाप करते हैं ना सर, ये मेरा ब्लॉग है, हर कोई ब्लॉग बनाता है कैमरा लेके सेल्फी वाला, मैं अपना इसी में आप लोग से बात कर लेता हूँ, इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें बड़ी हो जाती है, उसको बुरा मत मानना, मैं बोर नहीं कर रहा हूँ, आप लोग से जुड़ने की कोशिश करता हूँ, बातें करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग के अंदर एनर्जी और जुनून लाता हूँ, और आप लोग के एनर्जी और जुनून से मेरे अंदर एनर्जी और जुनून आता है। तो देख पा रहे होंगे आयसर का 22 एचपी का डीजल इंजन जो कि बहुत ही पावरफुल है। इस इंजन का जो पुराना मॉडल था ये जनरेटर वाला मॉडल है, देख पा रहे होंगे इसके लिए क्या है, ये पाव बनाया है कंपनी ने, ये जनरेटर वाला मॉडल है, ये ऑटो में नहीं लगता है, यानी इसको आप अपने आटा चक्की पे लगा सकते हैं, जनरेटर बना सकते हैं, इसे आप कोलू पे लगा सकते हैं, और इससे मतलब इंडस्ट्रियल वर्क कर सकते हैं, रोजमर्रा के काम कर सकते हैं। हम इसे अपनी सेल्फ ड्राइव में लगाने वाले, सेल्फ ड्राइव कैसी होती है आइए मैं दिखाता हूँ, थोड़ी सी आपको समझाने के लिए चीजें दिखाना बहुत जरूरी है। देख पा रहे होंगे ये है सेल्फ ड्राइव जो कि बहुत धूम मचा रही है, हमने इसके अंदर ये इंजन लगा रखा है, देखिए ये ऑटो वाले इंजन होते हैं, एकदम सही से जूम करके दिखाओ, ये देखिए मशीन डली है, इसके अंदर हम नया इंजन डालेंगे, नया इंजन ऑलरेडी हमने कई मशीनों में डाल दिया पर उसकी वीडियो में बना नहीं पा रहा था, टाइम सब मैनेज करना पड़ता है, आप लोगों की कृपा से सब हो जाएगा। तो इसके अंदर नया इंजन डालेंगे और मैं दिखाता हूँ एकदम लाइव, ये देखिए ये है ऑटो वाला इंजन जो ट्रैक्टर में से उतरता है, ये देखिए यहाँ पे रखा है, ये ट्रैक्टर में से उतरता है, हम यहाँ पे इसको ये देखिए कम से कम 97-98 मॉडल 2000 मॉडल ये है, 20-23 साल पुराने इंजन है जो कि सेल्फ ड्राइव में धूम मचा रहे हैं। और ये इसलिए क्योंकि इनकी बॉडी में कुछ नहीं होता है, इनके पार्ट्स में कुछ नहीं होता, इनका लाइनर पिस्टन हेड वाल क्रैंक और उसके सीआर होते हैं और नोजिल पंप में, इन्हीं में चीज़ों में खराबी होती है, बॉडी में कुछ नहीं होता, बॉडी में जब भी दिक्कत आती है इंजन बिना डीजल के चल रहा हो तो ये चीज़ें ऑटो वाले इंजन है। अब मैं इस इंजन के बारे में बताता हूँ, हम इसे लगाएंगे अपनी उस सेल्फ ड्राइव में, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं डाल दूंगा पीछे, तो ये देख पा रहे होंगे 22 एचपी का सुपर पावर इंजन कंपनी ने इसके अंदर
बहुत ही अच्छी चीज दी है और बहुत ही पावरफुल बना है। इसको डिजाइन इस तरह से करा है कि आप जनरेटर पर इसे रख सकते हैं। जनरेटर पर रख के इसके इसकी जो कैपेसिटी है 22 HP है, यानी 22 HP का सुपर पावरफुल सिंगल सिलेंडर इंजन है ये। यहाँ पे आप कपलिंग लगा के अल्टरनेटर लगा के इस पे 15 KV का अल्टरनेटर रख के इसका 15 KV का जनरेटर बना सकते हैं, यानी 15 KV आपका लगभग में 20 HP की बिजली देगा। और ये 20 HP की बिजली की आपकी जो लागत है वो खत्म कर देगा। तो देख पा रहे होंगे इसके अंदर कंपनी ने कितना अच्छा डिजाइन किया है। इसके अंदर जो है ये आपको दिखा दूं, यहाँ से इसका बैलेंस बहुत अच्छा है, यहीं से टांग के हम लोग उतारते हैं। और दूसरी चीज इसके अंदर यहाँ से ये वाल का सिस्टम दिया है, यानी इसका वाल है जिसे हम स्टार्ट करते हैं, तो इसको गिरा दो नीचे की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये तारों का जाल दिखाओ पीछे की तरफ, ये देखिए ये तारों का जाल देख पा रहे होंगे। अब इधर दिखाओ सामने, इसके अंदर जो दिया हुआ है ये कंपनी ने ये टेम्परेचर मीटर दिया है, यानी इससे इंजन कितना गर्म हो गया, यानी चल रहा है, चलते चलते गर्मी का मौसम में क्या अगर लाल वाली सुई पे आ जाती है तो इंजन को बंद कर देना चाहिए, ये ध्यान रखना है। कभी मोबिल ऑयल के बिना चल रहा है तो इंजन को बंद कर देना चाहिए, लाल वाले पे आ जाएगा और बंद भी हो जाएगा शायद, और ऐसा सिस्टम हो। आज तक तो हमारे मेरे जानकारी में ऐसा कोई इंजन नहीं आया कि ज़्यादा टेम्परेचर से वो अपने आप बंद हो गया हो, शायद ये बंद भी हो जाए। और दूसरी चीज़ क्या है, इसके ये फैन बेल्ट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये एयर कूल्ड इंजन है और हवा से ही ठंडा होता है, तो इस फैन बेल्ट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये अगर बेल्ट कभी टूट जाती है तो क्या है, ये पंखा नहीं चलता। यहाँ पे दिखाओ, इधर लागे, यहाँ पे ये पंखा लगा हुआ है, देखिए ये जाली लगी हुई है, ये पंखे लगे हुए हैं, इसी से इसी बेल्ट से ये पंखा इसका चलता है। और पंखा इसके अंदर आके ये देखिए ये पूरा हवा इसके अंदर आके लगाता है, देखिए। और ये जो चीज लगी है देखिए, यहाँ से ये चीज लगी है, यही टेम्परेचर बताता है। और एक ये यहाँ लगा है देखिए, ये दोनों तरफ से ये टेम्परेचर बनाता है, ये मोबिल ऑयल फिल्टर है और ये दोनों तरफ से गर्म होने पे ये बताता है कि कितना टेम्परेचर हो गया। और ये जो दूसरी सुई है इसकी, ये बताएगा कि कितने घंटे चल गई है। इसके अंदर ऑलरेडी आता है, ये डिजाइन हुआ है जनरेटर के लिए, मैं बार बार आपको रिपीट करके बता रहा हूँ, ये डिजाइन हुआ है जनरेटर के लिए। तो ये बताता है कि ये डिजिटल मीटर है इसके अंदर, मैं इसे चला के भी दिखाऊंगा, पहले इसे समझा दूँ थोड़ा सा कि ये कितने घंटे चलता है। और दूसरा ये बैटरी का बताएगा, और इसके अंदर अल्टरनेटर लगा है जो कि बैटरी को चार्ज कर देता है। कंपनी से जब ये इंजन आता है ना सर, तो सेम इसी कंडीशन में आता है, कंपनी ये वाले वायर नहीं देती बैटरी में जोड़ने के लिए जो हमने लगा रखी है, और ना ही बैटरी देती है, बस ये इंजन ही देती है। और ये इसका स्टॉपनर है, जब ये स्टार्ट करेंगे तो बंद करना हो तो इसे खींच देंगे। इसका कनेक्शन देखिए यहाँ से है, खींच में यहाँ रहा हूँ, यहाँ जूम करके दिखाना, यहाँ खींच रहा हूँ और ये बंद यहाँ हो रहा है, तो इसका जो कनेक्शन है यहाँ से ऐसे यहाँ ला के कर दिया है। और दूसरी एक अच्छी चीज़ बहुत अच्छी दी है इसके अंदर जनरेटर के हिसाब से, ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़, ये रेस को कंट्रोल करने वाली चीज़ है, ये देखिए इस तरह से रेस को कम ज़्यादा किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा इंजन है। और इसके अंदर जो मोबिल ऑयल डलता है सर, मोबिल ऑयल इसके अंदर 6 लीटर डलेगा, 15W40 का 6 लीटर मोबिल ऑयल डलता है इसके अंदर। और इसकी जो फर्स्ट सर्विस है, फर्स्ट सर्विस आप तुरंत कर दीजिए 30 से 40 घंटे में मोबिल ऑयल। और मोबिल ऑयल जो डालना है यहाँ ऊपर से डालने का सिस्टम है इसका, यहाँ ऊपर से डालेंगे तो सब जगह गरारियों में टैपिंग में सब जगह एकदम ऑयल चला जाता है, और बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमेशा मोबिल ऑयल डालना हो तो यहीं से डालिएगा। और एक सिस्टम और है यहाँ से डालने का मोबिल ऑयल, इधर ही आ जाओ दिखाओ, ये रहा, या तो आप यहाँ से भी डाल सकते हैं मोबिल ऑयल, देखिए ये यहाँ से सांस लेता है, आप यहाँ से भी मोबिल ऑयल डाल सकते हैं, देखिए ये दिखाओ इसके अंदर जूम करके, यहाँ से भी मोबिल ऑयल डाल सकते हैं। पर यहाँ से मोबिल ऑयल डालते समय में क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे बॉडी में चला जाता है, डायरेक्ट इसके अंदर चला जाता है। यहाँ से मोबिल ऑयल डालने में पूरा इंजन में पिस्टन में लाइनर में भींगते हुए जाता है, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ से इसके कनेक्टिव रोड जो ये क्या कहते हैं टैपिड रोड होते हैं उससे में होते हुए अंदर जाता है, तो यहाँ से मोबिल ऑयल डालने में बहुत बार है। और मैं बता रहा था सर्विस की, सर्विस में इसको क्या है, फर्स्ट सर्विस आप 30 से 40 घंटे में कर दीजिए, 20 घंटे में कर दीजिए पहली सर्विस जल्दी से, क्योंकि यहाँ इंडिया में क्या है कि ये लोग इंजन चला के ना रवा नहीं करते, विदेशों में तो भाई रवा करके देते होंगे, यहाँ पे ये भी कंपनी ज़्यादा रवा नहीं करके देती है। तो फर्स्ट सर्विस आप
30-40 घंटे में कर दिया, उसके बाद 150 घंटे में कीजिए, चलने के ऊपर डिपेंड करता है। और तेल के बारे में बताऊंगा ना सर, पूछिए मत। ये बड़ा है पर खाता कम है। अगर आप इसे चालू करके छोड़ दीजिए, 300-400 ग्राम तेल डीजल खाएगा बस, मात्र 300-400 ग्राम, बस चालू करके छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए 22 HP का इस पर लोड है और आपको 10 HP 12 HP का लोड लेना है, तो चालू करके छोड़ देंगे तो उतने में इसे फर्क ही नहीं पड़ेगा, 10-12 HP का लोड आराम से ले सकते हैं, तो वो उतना ही तेल खाएगा। जब ये लोड पे चलेगा तब खाएगा 1 लीटर से 1200 ग्राम, 1 लीटर 200 ग्राम तेल खाएगा। ऐसी इसके अंदर खासियत है। इसका डिजाइन जो कंपनी में दिया है वह है ना सर, देखिए दो दो फिल्टर है, यहाँ पे सेल्फ है, यहाँ पे इसका वो है स्टार्ट करने वाली गरारी है, यहाँ पे इसका गवर्नर है, ये इसकी पुलिया है बेल्ट वाली, यहाँ पे इसका ये पंप है जिससे ये ऑयल पंप डीजल पंप करता है, इधर इसकी नोजिल है, और यहाँ पे अल्टरनेटर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मोबिल ऑयल फिल्टर दिया है, इधर दिखाओ, यहाँ पे मोबिल ऑयल फिल्टर दिया है, और यहीं से हम मोबिल ऑयल गेज भी देता है। इसका मोबिल ऑयल गेज हम चेक कर लेते हैं यहाँ से, देखिए इसको यहाँ पे खोल के ये देखिए, इसमें अब चूड़ी दे रहा है, पुराने मॉडलों में चूड़ी नहीं है, वो डायरेक्ट ही खींच लो। अब ये देखिए मैं देखता हूँ इसमें तेल कितना है, यहाँ पे एक कट का निशान है, हम इसको कस के देखेंगे कि इसमें तेल कितना है। अभी मैंने इसमें तेल डाल दिया है आप लोगों को चला के दिखाने के लिए कि ज़्यादा टाइम ना लगे। ये देखिए इसे खोल के मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इसमें मोबिल ऑयल पूरा डला हुआ है। ये देखिए एक कट ये रहा और एक ये कट ये रहा, दोनों कट के यहाँ पे है ये, यानी मोबिल ऑयल पूरा है, पर्याप्त। अब बेहतरीन मोबिल ऑयल है, देखिए एकदम एकदम शहद की तरह है एकदम हाथों में आप। ये लीजिए, अभी से मैं बंद कर देता हूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बीच में ही मैं याद दिलाता रहता हूँ आप लोगों के सब्सक्राइब से आपको जो भी वो नई नॉलेज होगी आपके पास पहुंचेगी और मेरे हौसले बुलंद होंगे। तो वीडियो के लास्ट बन रही है, मैं इसे चला के और चालू करके भी दिखाता हूँ। इसमें हमने ऑलरेडी बेल्ट बैटरी का कनेक्शन कर दिया है और यहाँ से हम मारेंगे इसकी चाबी। देखिए ये मैंने इसका कंप्रेशर गिरा दिया, क्या है कि कभी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है आपकी, तो इसको हैंडल से भी चालू कर सकते हैं, कंपनी ने इसके अंदर हैंडल भी दिया हुआ है। देखिए ये रहा, ये रही हैंडल, देखिए और बहुत ही आसानी से स्टार्ट हो जाएगा, एकदम हल्का इसका डिजाइन इस तरह से है। मैं इसे हैंडल से भी स्टार्ट करके दिखाऊंगा, पहले आपको इससे दिखा दूं, बैटरी से स्टार्ट करके दिखा दूं। तो ये हम सेल्फ मारेंगे, देखिए सेल्फ मारने के लिए हम इसका लीवर पहले ही ऑलरेडी इधर घुमा लिया, देखिए ये ऑन करते ही लाइटें जल गई, लाइट जल गई और यहाँ पे एक वो दिखाएगा कि कितने घंटे चला है। तो अभी 0-0 दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने चलाया ही नहीं है इसको, जूम करके दिखाओ जरा, देखिए ये ऑफ कर दिया और ये ऑन करूँगा तो यहाँ पे देखिए डिजिटली दिखाएगा कि कितना चला है, ये 0-0 दिखा रहा है, साफ दिख रहा है ना एकदम जूम करके, ये 0-0 है अभी चला। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं इसे चालू करके दिखाता हूँ, देख पा रहे होंगे इतना स्मूथ चालू होता है। मैंने इस इंजन को बहुत ही यूज करा और सेल्फ ड्राइवों में तो लगा ही रहा हूँ, जो कि आपको मैंने दिखाया, बहुत सारी सेल्फ ड्राइवें उधर तैयार खड़ी है और जा रही है और आप लोगों का प्रेम बहुत मिल रहा है। आइसर इंजन ही उस सेल्फ ड्राइव में सबसे ज्यादा सक्सेस है क्योंकि ये तेल खाता है 12 HP और 14 HP इंजन की तरह। तो मैं इसको चालू करके दिखाता हूँ, देखिए कितना स्मूथ और एकदम हल्के पे स्टार्ट होगा, मैं हैंडल से भी स्टार्ट करके दिखाऊंगा। हमें सबसे पहला प्रोसेस कर रहा है चाबी को ऑन कर देना है, ऑन करते ही ये देखिए यहां से चाबी से ही हम करेंगे इसे स्टार्ट, स्टार्ट हो गया एकदम बेहतरीन एकदम पावरफुल। देखिए इंजन में आवाज भी नहीं है, चारों तरफ से दिखाओ इंजन को एकदम बेहतरीन, मैं इसकी आवाज भी सुनाता हूँ, देखिए एकदम चालू हो गया एकदम बेहतरीन तरीके से। और यहाँ से हम रेस देते हैं, देखिए अगर हमें रेस देना हो, यहाँ से अगर हमें इसकी स्पीड बढ़ानी हो तो यहाँ से देखिए इस तरह से कर दीजिए, देखिए बढ़ते जा रहा है, ये स्पीड बढ़ रही है, देखिए बढ़ रही है स्पीड, यानी ये बहुत अच्छी चीज है। यहाँ से स्पीड को कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ से कम कर देता हूँ, देखिए ये देखिए हम इसको जब सेल्फ ड्राइव में लगाते हैं तो यहाँ से कनेक्शन कर देते हैं, इसको खींचने पर देखिए, देखिए बहुत ही पावरफुल इंजन है, एकदम अपने आप इधर उधर सड़क रहा है और बहुत ही बेहतरीन स्टार्टिंग है इसकी। और ये इसका जो व्हील देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे दिखाओ,
व्हील देख रहे हैं, कम से कम 100-125 किलो का व्हील है इसका, 150 किलो मान के चलो व्हील के अंदर वजन है। अब हम इसको बंद कर देते हैं, देखिए ये यहाँ से हम खींचेंगे तो बंद हो जाएगा, इसे खींचते ही बंद हो जाएगा। देखिए हाथ में मोबिल लगाए छूट गया, ये देखिए ये बंद हो गया। मैं इसे इंजन से भी चालू करके दिखाता हूँ आपको, इंजन से इसकी स्टार्टिंग कैसी है, इतना भारी भरकम इंजन हैंडल से कैसे स्टार्ट होता है, हैंडल से भी स्टार्ट करके दिखाता हूँ और जानकारी दूंगा। वीडियो के लाइट बन रही है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए इसका हैंडल लगा लिया, लगाने से पहले हल्का सा मोबिल ऑयल जरूर लगा के रखे। और इसको देखिए ये जो इसका ये लीवर है उधर दबा के रखना है, पहले इधर गिरा हुआ था क्योंकि बैटरी ऑलरेडी स्टार्ट कर देती है, हम इसे हल्का घुमाने के लिए उधर गिरा के रखेंगे। ये देखिए इसको इस तरह से हैंडल मारना है, इंजन हैंडल से स्टार्ट हो गया, यानी है कि नहीं कितना स्मूथ और बहुत ही हल्के हाथ से स्टार्ट हुआ है। जिस तरह से लिस्टर इंजन स्टार्ट होते हैं उसी तरह से ये भी स्टार्ट हुआ है। वीडियो के लाइट बन रही है, देखिए मैंने किस तरह से स्टार्ट करके दिखाया हैंडल से, यानी भारी भरकम इंजन भी हैंडल से स्टार्ट हो गया। ये देखिए एकदम बेहतरीन इंजन है, बहुत ही अच्छा इंजन है, इसको मैं रेटिंग दूंगा 10 में 10। अब बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, थोड़ी सी और जानकारी दे दूं। ये देखिए आपने फील्ड मार्शल का इंजन देखा होगा, लिस्टर वाला सुपरा इंजन, जिसकी बहुत ही लाइक मिल रहा है, उसकी वीडियो मैंने कई ऑलरेडी डाल रखी है। उसमें क्या है, दोनों साइड में भारी भारी व्हील्स होते हैं कम से कम 100-100 किलो के, जिससे वो तेल कम खाता है। देखिए ये इसी तरह इसका भी कंपनी ने डिजाइन करके इसके अंदर बहुत ही भारी व्हील लगा रखा है, कम से कम 125 किलो के लगभग में है। और इसका जो परफॉर्मेंस है देखिए, यहाँ पर नेम प्लेट पर दिखाओ, ये ओरिजिनल चीज़ों की मैं जानकारी दे रहा हूँ, ओरिजिनल इंजन ऐसा ही आएगा। देखिए यहाँ पे मॉडल नंबर रहता है इंजन का, इसको आप नेट पे गूगल पे डालेंगे ना तो ये बता देगा कि कब बना है, क्या हुआ है, पूरे डाटा आ जाएगा इसका, ये सीरियल नंबर डाल के। और ये देखिए 2023 मॉडल, यानी यहाँ मॉडल का भी डिटेल है कि कौन से सन में बना हुआ है, और यहाँ पे पूरा इंजन का नंबर आएगा, ये देखिए पूरा डिटेल में, और ये कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुआ है पूरा डिटेल में दिखाएगा, आईसर इंजन कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, ये इसकी ये खासियत है। और इसके रेट को लेके अगर हम बात करें तो ये इंजन 1,30,000 के लगभग में इसका प्राइस है, लगभग में 1,30,000 समझो। अभी देखो इतना महंगा इंजन है पर है बहुत अच्छा है, 1,30,000 के लगभग में ये इंजन मिलता है। और लिस्टर इंजन जो आप लेते हैं जो डबल व्हील वाला, वो भी 60-65,000 से कम का नहीं आता है, तो ये उसके दुगना में है, पर इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा है और इसमें खासियत ज़्यादा है। इसके अंदर सेल्फ मिलेगा, हैंडल भी मिलेगा, यानी 2-in-1 स्टार्टिंग है इसके अंदर सिस्टम। कभी इसकी हैंडल से काम नहीं कर रहा तो सेल्फ मार दो, सेल्फ काम नहीं कर रहा तो हैंडल से मार लो, यानी इंजन स्टार्टिंग के लिए सेल्फ का बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और इसके अंदर ये देखिए टेम्परेचर मीटर और इसका ये घंटे का मीटर दोनों चीज़ दिया हुआ है, और बैटरी को चार्ज करने के लिए अल्टरनेटर भी दिया है साथ में। और इसका तो कमाल सबसे ज़्यादा है सर, इसकी खासियत मैं बता देता हूँ आपको, इसके अंदर क्या है, इसको खोल के यहाँ से साफ़ करते रहना है, सबसे पहला स्टेप जब इसमें धूल मिट्टी उठता है तो यहाँ पे खोल के इसको साफ़ करते रहना चाहिए। देखिए ये खुल गया ढक्कन, इसमें इसका डिज़ाइन इस तरह से है, यहाँ पे धूल मिट्टी आ जाता है, इसको साफ़ करते रहना चाहिए। और इसके अंदर मोबिल ऑयल कम से कम 500 ग्राम डाल के रखना चाहिए, यहीं से तेल डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा। और इसका एयर क्लीनर ऐसा है कि देखिए यहाँ से जूम करके दिखाओ, ये सारा सिस्टम नीचे बैठा हुआ है इसका, और यहीं से इसका हवा खींच रहा है, यानी हवा पहले यहाँ से खींचेगा, फिर इधर से होके इसमें टकरा के, फिर इसमें टकरा के जब अंदर जाएगा, इससे क्या है ये जल्दी ख़राब नहीं होता है और ये रोज़ साफ़ करना होता है। और मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ इसके अंदर, देखिए ये देखिए ये हमने इसे लगा दिया, और इसका जो ये डीजल का टैंक है देखिए, इसके अंदर ये टंकी दिया है कंपनी ने, ये देखिए इस तरह का कैप दिया है इसका, यानी लॉक वाला कैप दिया है। और इसके अंदर कभी एयर ले लेता है, डीजल का तो हमेशा ध्यान रखिए सर, एयर ले लेगा तो ये पंप सभी इंजनों की तरह इसमें भी पंप पे यहाँ पे जो बोल्ट दिया है यहाँ से एयर निकाल सकते हैं आप, इसका इससे एयर निकल जाएगा। और बस इसका मेन सर्विस का ध्यान रखिए, टाइम से मोबिल ऑयल का डाल दीजिए, सर्विस कर दीजिए, एयर कभी ना ले
तो ये बहुत ही लाइफ टाइम इंजन चलेगा, मैं इसकी गारंटी दे दे सकता हूँ। अमर तो नहीं है फिर, ये एकदम अमरत्वा के। अब आप सोचिए, हम जो सेल्फ ड्राइवों में मशीनों में इंजन लगा रहे हैं, वो इंजन 20-20 साल 23-23 साल पुराना है, उसमें कुछ बिगड़ा नहीं बिगड़ा, इन बॉडी का कुछ नहीं बिगड़ता है, बिगड़ता है उसके अंदर जो लाइन एंड पिस्टन चल रहा है, वो हम नया डाल देते हैं सर्विस करते समय, और उसके बाद ये नोजल पंप नया डलवा देते हैं एकदम, और इसके डीजल फिल्टर वगैरह बदल देते हैं एकदम सही से, सर्विस करके जब डालते हैं तो जाके उतना परफॉर्मेंस देता है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी थी और बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स था, एकदम दोनों तरह से चालू करके दिखाया। तो कैसा लगा ये इंजन, और कैसा लगा इसका परफॉर्मेंस, और कैसा लगा इसका रेट, रेट भी कैसा लगा मुझे पर्सनली कमेंट कर बताएं, और किस चीज़ पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए मुझे पर्सनली कमेंट कर बताएं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, और तुरंत के तुरंत वहाँ बैठे बैठे सोते सोते हंसते मुस्कुराते हुए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल रंग का बटन जो दिख रहा है, इससे मेरे हौसले बुलंद होंगे और जो भी नई वीडियो आएगी तुरंत आपके पास पहुँचेगी, सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी, जानकारी मिस नहीं होगी। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से नमस्कार, प्रेम से बोलिए राधे राधे।